मैं पहले ऐसी थी और ऐसी भी थी, यकीन नहीं हो रहा ना, और अब मैं ऐसी हो गई। ऐसा फिगर चाहिए तो उसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, जैसे कि मैं करती थी शादी से पहले। जी हाँ, ये है मेरे शादी से पहले की कुछ वीडियोस एंड पिक्चर्स जिसमें मैं काफ़ी पतली थी, बट शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मेरा जितना भी वर्कआउट, जितना भी मेरे डाइट प्लानिंग थी, वो सब मेरी बंद हो चुकी थी। और ऐसी बॉडी बनाने में तो मुझे बहुत मेहनत लगी थी, तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और इस टाइम पे मेरा वेट था 61 kg या 60 के अराउंड, लेकिन शादी के बाद तुरंत मेरा फैट इतनी जल्दी बढ़ने लग गया और मेरा वेट हो गया था 75 अराउंड, इवन 79 तक पहुँच गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। क्या प्रॉब्लम्स हो गई थी, वो सारी बातें अभी मैं कंटिन्यू करूँगी। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये मेरा मिनी व्लॉग है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से पूछ रही थी कि आपका डाइट प्लान क्या है या डाइट प्लान पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं आज उसी पर ही एक वीडियो बना रही हूँ। जो जो मैंने अपने साथ किया है एज अ डाइट, एज अ एक्सरसाइज, तो मैं वही आपको बताऊँगी, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने क्यों ये एक्सरसाइज और डाइट का सोचा शादी के बाद, क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो पता चला कि मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं और मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मैं डिप्रेस भी हो गई थी कि मुझे अभी से थायराइड हो गया है और मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस है, क्योंकि आगे भी मुझे बहुत सारी प्लानिंग करनी है, आप लोग समझ सकते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो डॉक्टर ने तो बताया ही था, लेकिन दिमाग में पहले से ही रहा था, तो जल्दी उठना और एक्सरसाइज करना, फिर अपने खाने पे भी ध्यान देना, डाइट को मेंटेन करना, ये मैंने किया, चैलेंज एक्सेप्ट किया और इसमें मैंने व्लॉग भी बनाया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गर्मियों में आपको डिटॉक्स वाटर, आपको डिटॉक्स वाटर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी से सारी गंदगी को बाहर कर देता है। मैं मोस्टली कुकुम्बर और लेमन वाला डिटॉक्स वाटर ही यूज़ करती थी, जिससे कि मेरे वेट लॉस में बहुत हेल्प हुई है। और साथ साथ गर्मियों के टाइम में आपको जितना ज़्यादा पानी हो सके उतना पी सको आप पानी को, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करता है, डाइजेशन सिस्टम को सही रखता है और आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और यह डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। देन ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में आप मूसली ले सकते हैं, मैंने भी मूसली लिया था और मैं चीला भी बना लेती थी, वेज चीला, देन पोहा, वेज पोहा, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो सारी चीज़ें वेज ही होती थी। देन लंच में मैं दही, सब्जी और 2 रोटी और सैलेड, ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड का यूज़ करती थी। और सब्जी आप कोई सी भी ले सकते हो, मतलब मिक्स करके बना दीजिए या दाल बना लीजिए, और जितना ज़्यादा आप सब्ज़ी खाइए उतना ज़्यादा अच्छा है आपके वेट लॉस के लिए। नाइट में मैं क्या करती थी कि फ्रूट चाट बना दिया या वेजिटेबल चाट बना दिया, और या मैं दलिया की खिचड़ी बना देती थी, तो दलिया की खिचड़ी मुझे बहुत टेस्टी लगती है और मेरे हस्बैंड को बहुत टेस्टी लगती है, तो ये मैं बहुत प्रिफर करती हूँ खाना, और इसके साथ सैलेड और दही। सो गाइस, 1 मंथ में मैंने करीबन 5 से 5.5 किलो वेट कम किया, और इंचेस में तो हुआ ही है, तो देख लीजिए अब मैं ऐसी हो गई थी, फूल के गोलगप्पा बन गई थी। और उसके बाद अपने आप को मेंटेन किया, मेहनत करी, तो उसके बाद मैंने अपना वेट लॉस किया और मैं ऐसी हो गई हूँ। फेस कट भी आपको दिख ही रहा है, और सबको ही अच्छा लगता है, खासकर हाउसमेट जो होती हैं वो बहुत जल्दी वेट गेन कर लेती है, तो उनके लिए ये मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट की करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए, और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगी, तो क्यों नहीं अपने आप पे एक थोड़ा सा काम किया जाए। आई होप सो आपको मेरी इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही।